अगर अगर मैंने किसी लड़की को छेड़ा तो मुझे कैसे पता कि वो मुस्लिम थी? क्या उसके चेहरे पे लिखा होता है कि वो मुस्लिम है? तो ये हिंदू मुस्लिम मतलब कुछ चीज़ें होती हैं जिसपे आप कमेंट कर सकते हो, कुछ चीज़ों पे आप पूरी तरह से बोल सकते हो कि ये सही है और ये गलत है, पर कुछ चीज़ों में मुद्दा ही नहीं होता। इसमें मुद्दा क्या है? हम किस बात को लेकर लड़ रहे हैं? हमारे पास कोई मुद्दा ही नहीं है। हम सिर्फ क्योंकि अपनी तानाशाही दिखाना चाहते हैं, हम सिर्फ क्योंकि ये कहना चाहते हैं कि मैं तुमसे स्ट्रांग हूँ। कौन किससे स्ट्रांग है? सब तो एक जैसे हैं, सब एक जैसे हैं। ओके, आप मानते हैं कहीं ना कहीं बॉलीवुड की बात करी जाए, फिल्म जगत की बात करी जाए, सबसे ज्यादा एकता यहीं पे है। हर मजहब के, हर प्रांत के, हर तरह के लोग यहाँ पे, और एक मिसाल है बॉलीवुड जब हम बात करते हैं आपसी भाईचारगी की, इंडियन सर, हम सब एक ही मजहब के हैं और वो मजहब है क्रिएटिविटी। हम बॉलीवुड में जो भी काम करने यहाँ पे आए हैं, चाहे वो अपने शहरों से आए हैं, चाहे फिर वो यहाँ के हैं, वो सब पैशनेट हैं, उनके अंदर जोश है, उन्हें काम करना है, उन्हें कुछ ऐसा करना है, उन्हें उन्हें कुछ ऐसा करना है कि आप उन्हें देखें, आप उन्हें देखने को मजबूर हो जाएं। वो खुद को साबित करना चाहते हैं। उनका मजहब सिर्फ एक है, खुद को साबित करना। इसलिए वो सब एक ही मजहब के हैं। तो जब तक हम सबका मजहब एक नहीं होगा, ह्यूमैनिटी नहीं होगा, तब तक हम लड़ते रहेंगे। तो बॉलीवुड की ये खासियत है कि वो उनका मजहब एक ही है। दे ऑल आर पैशनेट अबाउट देयर वर्क। सबको एज एन एक्टर, एज एन इंडियन अपील करना चाहूंगा कि आपस में दूसरे के साथ प्रेम से रहें, स्नेह से रहें, उस तो यही बोल देते हैं ना जो आपने हाँ बोला। हाँ ठीक बोला मैंने। और सर ये यूज कर लीजिएगा लाइन क्यू में कि दंगा कहीं पे भी हो, किसी भी मतलब दंगे किधर भी हो, कोई भी एक इंसान नहीं मरता, उसके बाद उसकी पूरी फैमिली मरती है। बोला बोले 15 अगस्त के दिन मैं आप सब लोगों को सिर्फ एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आपस में लड़ें नहीं। प्यार बहुत ही खूबसूरत चीज़ होती है, और एक दूसरे से प्यार करें, क्योंकि दंगा कहीं पे भी हो, एक इंसान नहीं मरता, उसकी पूरी फैमिली मरती है। और फिर वो बदले लेना, विरोध भावना, इस सबसे किसी का कुछ हल नहीं होने वाला। तो हम सब स्वतंत्र हैं अपनी तरह से, वी आर पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी। तो प्लीज़ एक दूसरे का साथ दें, खुशियाँ बांटें, झगड़े नहीं। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। पूछे। अच्छा दूसरा मैं बोल रहा था, थोड़ा दूसरा मैं कह रहा था कि रोना, दूसरा मैं ये जानता हूँ आपसे कि सर आप बॉलीवुड का खुद हिस्सा हैं, और क्या मानते हैं आप जिस तरह की बॉलीवुड में यूनिटी है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे अभिषेक? सर, बॉलीवुड में यूनिटी है, और दिखाने की यूनिटी नहीं है, दरअसल सच में यूनिटी है। यहाँ पे ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई टाइप का कुछ होता नहीं है। आप फॉर एन एग्जाम्पल, आप ने अगर चेन्नई एक्सप्रेस देखी हो, एक फिल्म, शाहरुख खान जो है वो मुस्लिम है, हर कोई जानता है, और रोहित शेट्टी जो है वो हिंदू है, हर कोई जानता है, पर फिर भी उन्होंने एक फिल्म बनाई, मिलके बनाई, और उसका जो पॉजिटिव फीडबैक उन्हें आया वो आप देख सकते हैं। तो इट्स नॉट अबाउट रिलीजन, इट इज़ अबाउट अबाउट दैट यूनिटी, इट्स अबाउट कुछ अच्छा करने की चाहत। तो मेरे ख्याल से सबसे बड़ा एग्जाम्पल है आपके पास, और ऐसे दर्जनों और सैकड़ों एग्जाम्पल्स हैं आपके पास हमारी इंडस्ट्री के बारे में।